अक्षर साकार होते हैं या निराकार? अक्षर का खा गा ए बी सी डी, ये अक्षर जो है ये इनका कोई आकार होता है या फिर निराकार है? जोर से जोर से जोर से, आकार है। तो एक बात बताओ, जब इस धरती पर कोई अक्षर ना रहा होगा मतलब लिखित में, तब तो क्या का खा गाघा नहीं रहा? सबसे पहले जब व्याकरण बनी, जिसने बनाई महर्षि पाणिनीय जी ने, और उन्होंने अयुण के द्वारा ये बोध कराया कि ये अक्षर ये है, तो ये बताओ क्या उनके पहले काखा गाघा नहीं रहा होगा? बोलो जोर से, रहा होगा, रहा होगा ना, नहीं रहा? काखा गाघा तो पहले भी था, लेकिन का को पहचानने का आकार नहीं था, आ को पहचानने का आकार नहीं था। तो जो अक्षर है ये बाद में बने, इसका मतलब है जो अक्षर होते हैं वो निराकार हो, उनका कोई आकार नहीं होता, वो तो पहचान के लिए आकार दिया गया कि आ ऐसे लिखा जाएगा, का खा गा घा इंगा ऐसे लिखा जाएगा, वरना शब्द तो निराकार है, शब्द का कहां आकार होता? वो तो पहचान पाए हम, पढ़ाने में पढ़ने में आसानी हो, इसलिए बनाया गया ऋषियों के द्वारा, अक्षर लिखित में लिखे गए, वरना अक्षर तो निराकार है, अक्षर का कोई आकार नहीं होता। का क्या आकार है, खा का क्या आकार है, बताइए।